कोरापुट से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां माओवादियों ने 6 वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। पीएम जीएसवाई सड़क निर्माण कार्य में लगे थे सभी वाहन, एक जेसीबी, एक ट्रक, 2 ट्रैक्टर और दो दर्जन वाहनों में आग लगाने की कोशिश की गई। बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप का बयान इस बीच सामने आया, ग्रामीणों के माध्यम से ये बात की सूचना मिली है और अब तक लिखित शिकायत नहीं की गई है। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के आलवाड़ा गांव से ये खबर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माओवादियों ने 6 वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। सड़क निर्माण कार्य में लगे थे जेसीबी, हालांकि मुख्य कारण अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि इस बात की नाराजगी थी जो ग्रामीणों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। माओवादियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया तो सड़क निर्माण कार्य में लगे जेसीबी, डंपर, ऐसे दर्जनों वाहन हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया माओवादियों द्वारा। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के आलवाड़ा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप ने इस बात की जानकारी दी है, लेकिन लिखित में अभी तक उनके पास भी शिकायत नहीं आई है। बहरहाल मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के अलवाड़ा गांव से खबर सामने आ रही है, जहां माओवादियों ने 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सड़क निर्माण कार्य में लगे थे जेसीबी, डोजर, ट्रक और अन्य वाहन। और ज्यादा जानकारी के साथ सुशील सलाम फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुशील, क्या मुख्य कारण सामने आया और मौके पर फिलहाल क्या स्थिति है? जी देखिए, लगातार माओवादी जो है बीजापुर में आतंक अपना बनाए हुए हैं। पिछले 4 दिनों में माओवादियों ने 2-3 जगह जो घटनाओं को अंजाम दिया है। कुटरु क्षेत्र के केतुलनार में 2 जो जेसीबी वाहन है उसमें आगजनी की थी, जो जियो केबल की खुदाई में लगे हुए थे। और कल जंगलू थाना क्षेत्र से घटना निकल कर आई थी, जहाँ सड़क निर्माण कार्य में 2 आईडी प्लांट किए थे, जो सीरियल आईडी थे, जिनको डिफ्यूज किया गया है। और कल शाम करीब 4 बजे के आसपास फरसेगढ़ थाने से लगभग 4 किलोमीटर दूर आलवाड़ा है, जहाँ पर सड़क निर्माण कार्य में जो वाहन लगे थे वहां एक आगजनी की घटना को अंजाम दिया है माओवादी ने। इस तरीके से जो दहशत है माओवादी यहाँ पर फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। एक जवाब बता दो बुजुर्ग आपको, लगातार नक्सली ऐसे आसान टारगेट को निशाना बनाते हैं जहाँ उनको रिस्क नहीं होता, या फिर सड़क निर्माण कार्य में जहाँ सुरक्षा नहीं होती, ऐसे टारगेट को नक्सली चुनते हैं और दहशत फैलाने का जो काम है वो बखूबी वो करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन।